भाई डर गया राहुल गांधी, डर गया राहुल गांधी, डर गया। इधर मोदी है तो पाकिस्तान आंख उठाकर देखे, चाहे वो बालाकोट था चाहे उरी था, सीमा में घुसकर उनको मजा दिखाया। लोकसभा चुनावों के बीच राहुल गांधी के अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने के फैसले ने एक नई सियासी बहस को जन्म दे दिया है। राजनीतिक टिप्पणीकार इस फैसले से कांग्रेस को यूपी में होने वाले नफे नुकसान के आकलन में जुटे हैं, वहीं कांग्रेस इसका बचाव करने में जुटी है। इस बीच बीजेपी ने राहुल गांधी पर हमले तेज कर दिए हैं। पूर्व मंत्री अनिल विज ने चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल गांधी ने स्मृति ईरानी से हार के डर से अमेठी के बजाय रायबरेली से चुनाव लड़ने का फैसला किया है। राहुल गांधी जी डर गए हैं, उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही कि स्मृति ईरानी के आगे अमेठी से जो उनकी परंपरागत सीट रही है वहां से चुनाव लड़े, क्योंकि वहां तो फिर हिसाब देना पड़ेगा, लोगों को हिसाब देना पड़ेगा, इसलिए वो रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। डर गया राहुल गांधी। वहीं पाकिस्तान से मिल रहे कांग्रेस को समर्थन पर विज ने कहा कि यह स्वाभाविक है, क्योंकि पीएम मोदी ने उरी और बालाकोट के जरिए पाकिस्तान की सीमा में घुसकर उनको मजा चखाया है। देखिए, जो राहुल गांधी है या कांग्रेस है, जो अलग अलग राष्ट्रीय मुद्दों पर इनका दृष्टिकोण रहा है, उससे पाकिस्तान जनता की इनके प्रति बहुत सहानुभूति और बहुत सारे काम और बातें तो ये पाकिस्तान को चाइना को खुश करने के लिए ही करते हैं। इसलिए पाकिस्तान के तो वो चाहेंगे कि भी अगर ये बन जाए तो मजा आ जाएंगे। नरेंद्र मोदी है तो पाकिस्तान आंख उठाकर देख नहीं सकता, चाहे वो बालाकोट था चाहे उरी था, सीमा में घुसकर उनको मजा चखाया है। फिर वो तो चाहते हैं कि कोई कमजोर आदमी आ जाए। बता दें कि राहुल गांधी ने आज यूपी की रायबरेली सीट से नामांकन दाखिल किया है। यहां से अब तक उनकी मां सोनिया गांधी चुनाव लड़ती रही हैं। शुरू में चर्चा थी कि राहुल अपनी पुरानी सीट अमेठी और रायबरेली से उनकी बहन प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी, लेकिन आज सुबह कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही तस्वीर साफ हो गई। बताते चले हैं कि राहुल केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ रहे हैं। अम्बाला से अमन कपूर, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।